गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर डूइंग हिस्ट्री ऑफ 1200, थीम 9, किंग एंड क्रॉनिकल। वी आर ऑन पेज 228 एंड टुडे वी विल रीड थर्ड पॉइंट, द पेंटेड इमेज। पेंटेड इमेज मतलब रंगीन चित्र जो थे, मतलब जो किताबें यहाँ पे लिखी गई, साथ में इतिहासकार ने लिखा, साथ से लिखा है, साथ में पेंट किया है, पेंटेड कोई मतलब पिक्चर्स लगाई है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। As we read in the previous section, painter too were involved in the production of Mughal manuscripts. हमने previous पहले chapter section में क्या पढ़ा था कि Mughal manuscripts में जो painter भी involved थे, मतलब chronicle जब बनी उसमें लिखने वाले scribe थे जो लिखते थे, और painter वगैरह मतलब अलग अलग लोगों के जो काम थे हमने पढ़े थे। तो अब आज हम painting के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रॉनिकल नरेटिंग द इवेंट्स ऑफ ए मुगल एम्परर रेन कंटेन अलोंग साइड द रिटन टेक्स्ट इमेजेस दैट डिस्क्राइब्ड एन इवेंट इन विजुअल फॉर्म। जब क्रॉनिकल लिखी गई मुगल एम्परर्स के बारे में, मुगल एम्परर की कहानियाँ नरेट करने के लिए क्रॉनिकल लिखी गई, तो उसमें इमेजेस भी थी, तो जो कि उस समय की विजुअल इवेंट्स को दर्शाती थी। मतलब हम इमेजेस के थ्रू हम पता कर सकते थे कि राज दरबार किस तरह का था, कैसे लोग थे, मतलब सारा इमेजेस इस तरह से बनाई हुई थी। वेन सीन्स और थीम इन ए बुक वर टू बी गिवन विजुअल एक्सप्रेशन द स्क्राइब लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस ऑन नियर बाय पेजेस। जब व्हेन सीन्स और थीम्स इन ए बुक वर गिवन टू विजुअल एक्सप्रेशन, जब भी कोई ऐसी घटना होती, इवेंट्स होता, कोई मतलब कुछ ऐसा होता कि जिसमें विजुअल एक्सप्रेशन देना था, कुछ पिक्चर्स बनानी थी, तो स्क्राइब मतलब जो लिखने वाला होता था, साथ में उस पेज के साथ मतलब थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ देता था ताकि पेंटर वहाँ पर अपनी पिक्चर पेंट कर सके उसके अकॉर्डिंग। एग्जीक्यूटेड सेपरेटली बाय आर्टिस्ट वर इंसर्टेड टू एकॉम्पनी व्हाट वाज डिस्क्राइब इन वर्ड्स। फिर चित्रकार क्या एग्जीक्यूट करता था, मतलब कि जो आर्टिस्ट था, चित्रकार था, वो मतलब जैसे जैसे थीम उन्होंने लिख रखा था उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर वहाँ पे वैसे ही बना देता था। दीज पेंटिंग वर मिनिएचर्स एंड कुड देयरफॉर बी पास्ड अराउंड फॉर व्यूइंग एंड माउंटिंग ऑन द पेजेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो पेंटिंग थी मिनिएचर, मतलब छोटी छोटी होती थी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, इसलिए जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस पर लिखे जाते थे वहाँ पर इनको बड़े आसानी से बनाया जा सकता था। पेंटिंग सर्व्ड नॉट ओनली टू इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ ए बुक। जो पेंटिंग थी उससे खाली बुक्स की ब्यूटी ही नहीं नज़र आती थी, बट वर बिलीव टू पोसेस स्पेशल पावर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ अबाउट द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग इन वेज दैट द रिटन मीडियम कुड नॉट। मतलब कि जो पेंटिंग थी उसमें खाली बुक की ब्यूटी ही नहीं बढ़ती थी, किताब का सौंदर्य ही नहीं बढ़ता था, उसके अलावा जो पेंटिंग थी उससे राजा और राजा की शक्ति के विषय में भी जो बात होती थी वह कही जाती थी। मतलब पेंटिंग राजा के जो पावर्स थी उसके बारे में भी दर्शाती थी। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। जो हिस्टोरियन था अबुल फजल, इतिहासकार था, उसने इसे जादुई कला बोला, पेंटिंग को क्या बोला, जादुई कला बोला। इन हिज व्यू इट हैड द पावर टू मेक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे पोसेस्ड लाइफ। इन एनिमेट क्या होता है, निर्जीव जो चीज़ें होती है जिनमें जान नहीं होती, मतलब निर्जीव चीज़ें, उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर देती थी कि वह उसे उसमें जीवन में हुई हो। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं को भी ऐसे दर्शाती थी कि वह उसमें जान आ जाती थी। मतलब पेंटिंग इतनी अच्छी थी उस समय, तो उसमें ऐसे पता लगता था कि निर्जीव पिक्चर्स के भी थ्रू हम सब कुछ समझ आते थे। मतलब इस सारे में पेंटिंग थर्ड पॉइंट में आपको पेंटिंग इमेज इतना ही यहाँ पे करना है, सिर्फ आपने ज़्यादा इससे कुछ नहीं करना। द पेंटिंग इमेज में आपको क्या दिखाया गया है कि जो क्रॉनिकल थी उसमें लिखने के साथ साथ जो स्क्राइब था कुछ स्पेस छोड़ देता था लिखने पेंटिंग बनाने के लिए, और जो फिर आर्टिस्ट था फिर मिनिएचर टाइप में छोटी छोटी पेंटिंग बना देता था, और वो पेंटिंग जो थीम या कोई इवेंट्स लिखा होता था उस घटना को पूरी अच्छी से तरह से दर्शाती थी। और अबुल फजल ने इसे क्या बोला, मैजिकल आर्ट बोला। मैजिकल आर्ट क्यों बोला, क्योंकि एक तरफ तो ये राजा की शक्तियाँ और राजदरबार के बारे में बताती हैं, और दूसरी तरफ ये निर्जीव पेंटिंग इस तरह थी कि निर्जीव वस्तुओं में भी जान लगती थी, कि निर्जीव वस्तुएं भी जिंदा हो उठेगी। Okay student, it's enough for today. Have a nice day.